चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया का एक ऐसा संस्थान है जो इंडिया में कॉलेज और यूनिवर्सिटी की रैंक डिसाइड करता है, कौन सी कॉलेज कौन सी रैंक पर है ये इसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो 2022 के लिए गवर्नमेंट ने ये NIRF की रैंक डिसाइड कर दी है। मैं आपको इस वीडियो में मेडिकल के बारे में बताऊंगा कि कौन सी मेडिकल कॉलेज किस रैंक पर है, कौन सी मेडिकल कॉलेज टॉप है, और इसमें हम मेडिकल कॉलेज का भी देखेंगे, एम्स का भी देखेंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी देखेंगे और प्राइवेट कॉलेजेस का भी देखेंगे कि कौन सी टॉप प्राइवेट कॉलेज है, कौन सी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन से टॉप एम्स है और इनकी ओवरऑल रैंकिंग क्या है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 2022 की च्वाइस फिल करते समय आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या इनमें जो गवर्नमेंट ने रैंक दे रखी है मेडिकल कॉलेज को उसके अकॉर्डिंग फिल करना चाहिए, या फिर कौन कौन सी बातों का आपने ध्यान रखे वो चॉइस फिल करनी है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने बुक लिख दी है, ऑल इंडिया कोटा स्टेट आयुष वेटनरी MBBS BDS सेंट्रल पूल कोटा सभी के बारे में ये बुक अवेलेबल है। और इसमें मैंने फीस सीट मैट्रिक से इसके बाद में चॉइस लिस्ट आपको 22 में कैसे फिल करनी है उसके बारे में भी पूरी जानकारी दे दी है। और इसके साथ साथ ये भी बता दिया है कि कौन से स्टेट में कितना सर्विस बॉन्ड है और इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी उसके बारे में भी जानकारी दी है और हर एक स्टेट के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो इसको आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे, आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। अब हम बात करें इंडिया के मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग के बारे में, तो जो इसमें पैरामीटर यूज करता है गवर्नमेंट इसमें जो रैंकिंग देने के लिए पैरामीटर यूज करते हैं वो पैरामीटर्स इस प्रकार से हैं। सबसे पहले जो पैरामीटर यूज होता है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, ये पैरामीटर यूज होता है यानी कि टीचिंग का और इसमें लर्निंग का और इसके बाद में रिसोर्सेज क्या क्या हैं इसके बारे में ये जो है पैरामीटर्स यूज होते हैं इसमें। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो पैरामीटर है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ये पैरामीटर्स यूज होता है। इसके बाद में ग्रेजुएशन आउटकम्स का पैरामीटर यूज होता है और इसमें आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी का पैरामीटर यूज होता है और पीर परसेप्शंस का पैरामीटर इसमें यूज होता है। तो इस प्रकार से ये जो तीन पैरामीटर्स चार पैरामीटर्स हैं पांच पैरामीटर्स के तहत ये रैंकिंग इसमें जारी की जाती है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी कॉलेज हैं रैंकिंग में कितने नंबर पर कौन सी कॉलेज है तो ये हम देखते हैं। तो पहले हम ओवरऑल कॉलेज देख लेते हैं जिसके अंदर एम्स भी शामिल है, मेडिकल कॉलेज भी शामिल है, जिपमर भी शामिल है, डीम्ड भी शामिल है, तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑल इंडिया जो हमेशा से नंबर वन रैंक पर रहता आया है एम्स है और इसका जो स्कोर है वो 91.6 है। ये स्कोर दिया गया है जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए हैं उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो ये एम्स है टॉप में। सेकेंड नंबर पर INI जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस के इंस्टीट्यूट है, जैसे इसमें चंडीगढ़ है, PGI चंडीगढ़ है और इसके बाद में जो जिपमर है इसके बाद और निमहंस बेंगलुरु है, इसके बाद में SCT IMS इसमें त्रिवेंद्रमपुरम का है, तो ये NI है यानी कि नेशनल इंपोर्टेंस के हैं, इनमें PG कोर्स चलते हैं। तो ये हम देखें कि इसमें दो नंबर पर जो है वो PGI चंडीगढ़ है, तीन नंबर पर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्यूर का प्राइवेट कॉलेज है, पांच नंबर पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है इसमें BHU और जिपमर है छह नंबर पर, और सात नंबर पर जो PG का है संजय गांधी PIMS है वो है इसमें और अमृता है आठ नंबर पर। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं, इसको पोज करके देख सकते हैं वीडियो को, कौन कौन सी कॉलेज किस प्रकार से इसमें कौन सी रैंकिंग पर है। मैं इसको आगे करता हूं तो आप ये देख सकते हैं इसमें, तो इसमें आगे जो शिक्षा ओ अनुसंधान है ये कॉलेज है, ये जो है ये IMS एंड सम हॉस्पिटल है, IMS एंड सम हॉस्पिटल है ये, इसके बाद में डिम्ड है ये, इसके बाद में नेक्स्ट में BMMC है 19 नंबर पर, 20 नंबर पर SRM त्रिची का है ये, डिम्ड यूनिवर्सिटी है। तो इस प्रकार से ये आप रैंक देख सकते हैं, 34 नंबर पर
जेएसएस मैसूर है, तो इसमें जो टोटल पार्टिसिपेट किया था वो 152 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था और यहाँ पर 50 कॉलेज की ओवरऑल रैंकिंग दिखाई गई है। अब मैं आपको यहाँ पर आगे बताता हूँ, नेक्स्ट जो ये टोटल 50 कॉलेजेस हैं यहाँ पर, इसमें हम देख सकते हैं आगे 50 नंबर पर जो है बीजे अहमदाबाद है, और इसमें 35 पर पीएसजी इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट कॉलेज है कोयम्बटूर तमिलनाडु का वो है, तो इस प्रकार से सीएमसी लुधियाना है वो 36 नंबर पर है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं कि ये टोटल 50 कॉलेजेस में ओवरऑल रैंकिंग, जिसमें डीम्ड भी शामिल है, जिपमर भी शामिल है, उनकी ओवरऑल रैंकिंग ये है। अब हम इनको अलग अलग देखते हैं यहाँ पर, कि सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर मेडिकल कॉलेजों की, तो इसमें जो टोटल मेडिकल कॉलेज है वो 10-12 टोटल मेडिकल कॉलेज हैं, इनकी जब हम रैंकिंग देखते हैं तो बीएचयू सबसे टॉप में आता है, इसमें रैंकिंग में बीएचयू सबसे टॉप में है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये टॉप में बीएचयू क्यों है, क्योंकि इससे पहले भी तो काफी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो इसके बाद में बीएचयू से पहले हम मौलाना आजाद भी लेते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर बाद में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले बीएचयू है, उसके बाद में केजीएमसी है, इसके बाद में मद्रास मेडिकल कॉलेज है, वीएमएमसी है, इसके बाद में कलकत्ता का जो आईपीजीएमएस है वो है, इसके बाद में अलीगढ़ है, एएमयू है, उसके बाद मौलाना आजाद है, इसके बाद में जो चंडीगढ़ का गवर्नमेंट यानी जेएमसीएच है, और इसके बाद में दिल्ली का यूसीएमएस है, लेडी हार्डिंग है, एसएमएस जयपुर है, और मेडिकल कॉलेज कलकत्ता, एससीबी कटक, और रिम्स इम्फाल और बीजे मेडिकल कॉलेज। तो ये जो मेडिकल कॉलेज दिखाए हैं, ये मेडिकल कॉलेज इस साल रैंकिंग में दिए गए हैं, जो 152 पार्टिसिपेट किए गए थे इस गवर्नमेंट कॉलेज में। तो ये तो हो गई मेडिकल कॉलेज की, इसमें एम्स, जिपमर और डिम्ड शामिल नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट में एम्स की, एम्स और जिपमर की क्या रैंकिंग है। तो इसमें जो गवर्नमेंट ने दिया है, न्यू दिल्ली फर्स्ट पे है एम्स, उसके बाद में सेकंड नंबर पर जिपमर दिया है, थर्ड नंबर पर जोधपुर दिया है एम्स जोधपुर, और फोर्थ नंबर पर एम्स भुवनेश्वर दिया है, सिक्स्थ नंबर पर ऋषिकेश दिया है, और सेवन नंबर पर रायपुर दिया है। तो ये एम्स इस प्रकार से पुराने वाले एम्स दिए गए हैं, इनकी क्या रैंकिंग वाइज है, वो रैंक क्या है, ये यहाँ पर दिया गया है। अब हम बात करते हैं आगे डीम्ड यूनिवर्सिटी की, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में इस प्रकार से इतनी डीम्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग दी गई है। इसमें हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले अमृता है, अमृता है कोयम्बटूर का, इसके बाद में मणिपाल है, और फिर श्री रामचंद्रा है, इसके बाद डीआरडीवाई पाटिल है, और ये आईएमएस एंड सब हॉस्पिटल है, आईएमएस एंड सब हॉस्पिटल है। इसके बाद में आगे एसआरएम है और वृता मैगे है, इसमें श्वेता है, कलिंगा है, कस्तूरबा है, महर्षि मार्कंडेश्वर जो हरियाणा का है, फिर यहाँ हमदर्द आदाता है, जेएसएस है, चेटेंड हॉस्पिटल है, कृष्णा कर्ण है इसमें, इसके बाद में ये डीआरडीवाई पाटिल मुंबई वाला आदाता है, और महात्मा गांधी है पौडुचेरी का। तो ये इस प्रकार से रैंकिंग दी गई है, इनकी डीम्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग दी गई है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि ये जो रैंकिंग दी गई है उसके हिसाब से आपने चॉइस फिल करनी है या फिर अपने हिसाब से चॉइस फिल करनी है। तो इसमें और भी डीम्ड ये दी गई हैं, बाकी ये डेंटल की है, ये डेंटल के 40 कॉलेजेस हैं डेंटल के, तो आप ये भी देख सकते हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। टोटल डेंटल के 142 कॉलेजेस ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था, उसमें 40 कॉलेजेस की ये रैंक दिखाई गई है, टोटल 40 कॉलेजेस की रैंक दिखाई गई है। अब आपको चॉइस फिल करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, तो जो इसमें रैंकिंग दे रखी है, मैं आपको फिर से ले चलता हूं उससे गवर्नमेंट कॉलेज की रैंकिंग पर। तो यहाँ जो गवर्नमेंट कॉलेज की रैंकिंग दे रखी है यहाँ पर, वो हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ जैसे कि बीएचयू की सबसे फर्स्ट में है, फिर केजीएमसी की है, फिर मद्रास मेडिकल कॉलेज की है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो सबसे पहले हम लेते हैं एम्स, एम्स न्यू दिल्ली लेते हैं, उसके बाद में जो स्टूडेंट है वो मौलाना आजाद प्रिफेर करते हैं। तो यहाँ पर बीएचयू से पहले मौलाना आजाद आना चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट ने इनकी रैंक डिसाइड की है वो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग रैंक डिसाइड की है, जो मैंने पैरामीटर्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग ये रैंक डिसाइड किया है। लेकिन जो मौलाना आजाद में स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं वो सेकंड नंबर पर इसलिए लेते हैं क्योंकि एक तो ये दिल्ली में है, दूसरी चीज इसमें जो हॉस्पिटल है उसके साथ में अच्छा हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है, और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये सारी फैसिलिटी अच्छी है, इसलिए स्टूडेंट इसको मौलाना आजाद को प्रिफेर करते हैं इन सबसे पहले,
इन सबसे पहले मौलाना आजाद को प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट। इसके बाद में जैसे मान लो कि जो वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट है वो मौलाना आजाद से पहले इसको ले लेता है, कोलकाता जो आईपी जीएमईआर है उसको ले लेता है, इससे पहले वीएमएमसी दिखाया गया है, तो काफी स्टूडेंट वीएमएमसी को इस प्रकार से भी लाइक करते हैं कि इसमें पीजी में फिर आईपी कोटा मिल जाता है। हालांकि डीयू कोटा पीजी में मौलाना आजाद से भी मिलता है लेकिन आईपी कोटा में थोड़ा सा ज्यादा स्कोप रहता है, तो आईपी कोटा मिल जाता है पीजी के लिए, इसलिए लोग वीएमएमसी को भी ज्यादा प्रिफेयर करते हैं। बाकी स्टूडेंट और कॉलेजों को भी लेते हैं, जैसे दिल्ली की जो बाकी कॉलेज हैं आरएमएल है, बीएसए है, एनडीएमसी है, वो भी इनसे पहले ले लेते हैं, लेकिन जो ये गवर्नमेंट ने तय किया है ये पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग तय किया है, स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग ये चॉइस फिल करते हैं, अपने अकॉर्डिंग ये कॉलेज लेते हैं। अब हम चलते हैं कि आपको चॉइस फिलिंग करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। ये तो मैंने बता दिया कि आपकी जो कॉलेज है वो किस रैंक पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, लेकिन आपने इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग अपने चॉइस फिल नहीं करनी है, आपने अपने हिसाब से ये चॉइस फिल करनी है। तो चॉइस फिल करते समय आपने क्या क्या ध्यान रखना है, ये जो दिए हैं ये तो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग है लेकिन आपने अपने हिसाब से चॉइस फिल करनी है। उसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके स्टेट की टॉप मेडिकल कॉलेज मिले आपको। टॉप मेडिकल कॉलेज का मतलब है कि आपको अच्छी कॉलेज स्टेट की मिल रही है तो फिर आपको ऑल इंडिया में बाकी स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज हमने ये देखना है कि आप जो भी कॉलेज ले रहे हैं उसका हॉस्पिटल कितना अच्छा है, कितना बेडेड हॉस्पिटल है, कितना पुराना हॉस्पिटल है, उसमें पेशेंट फ्लो कितना है, आउटडोर कितना है उसका, इसके बाद में उसके अंदर जो ये पेशेंट के केयर की फैसिलिटी कितनी है, आपको कितना सिखाया जाता है, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है इसका। तीसरा आपने सर्विस बॉन्ड देखना है, अगर आप दूसरे स्टेट में एडमिशन ले रहे हैं या अपने ही स्टेट में एडमिशन ले रहे हैं तो उसका बॉन्ड जरूर देखना है। जैसे हम बात करें तमिलनाडु के बॉन्ड की, तो तमिलनाडु का बॉन्ड 5 ईयर्स का बॉन्ड है, ये एमबीबीएस के लिए, एमबीबीएस के लिए 5 ईयर्स का बॉन्ड है और इसमें 5 लाख रुपीज सिक्योरिटी है, सॉरी जो बॉन्ड अमाउंट है वो है। तो इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है, ऐसे स्टेट में एडमिशन लेना है जिसका कम से कम बॉन्ड हो। इसके बाद में जिस कॉलेज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचिंग फैसिलिटी अच्छी हो उस कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है। फीस का विशेष ध्यान रखना है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, इन स्टेट्स में फीस काफी ज्यादा रहती है, तो आप इतने ही फीस की कॉलेज में एडमिशन लो जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे काफी कॉलेजों की फीस, जैसे कि उत्तराखंड के एक कॉलेज की फीस 4,26,000 है, तो बाकी वर्धा की भी फीस ज्यादा है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ऐसे नेक्स्ट में है कि आपने जहां पीजी बेनिफिट्स आपको अच्छा मिल सके, जहां पर आपको पीजी के लिए काफी सीटें मिल सके, आपका अच्छी ब्रांच में पीजी में इजीली एडमिशन हो जाए, तो आपने अभी से प्लानिंग लेके चलना है पीजी के लिए, किस स्टेट में पीजी की कितनी सीटें हैं और उसमें आसानी से कितने कौन से स्टेट में कम रैंक पर पीजी में एडमिशन हो जाता है, तो ये आपने काफी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आगे नेक्स्ट एग्जाम भी होगा और आपके एमबीबीएस की जो स्टडी है वो भी आपकी इसी पर इफेक्ट करेगी नेक्स्ट एग्जाम में, इसी नेक्स्ट एग्जाम से पीजी में एडमिशन होगा, तो ये आपने काफी ज्यादा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जिसमें आपको पीजी में फायदा हो वो लेना चाहिए उसमें। इसके बाद में ये आप प्रिफेयर करेंगे ओल्ड कॉलेज लें। देखो ओल्ड कॉलेज में जो आपके हॉस्टल वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह हैं इनमें ज्यादा चकाचौंध नहीं रहती, ये आपको पुरानी सी बिल्डिंग मिलेंगी, पुराने से हॉस्पिटल मिलेंगे, लेकिन इनमें जो लैब वगैरह की जो फैसिलिटी है, सीखने के लिए जो फैसिलिटी है, ये काफी अच्छी रहती है नए कॉलेजों की बजाय। नए कॉलेजों में आपको हॉस्टल अच्छे मिलेंगे, कॉलेज की बिल्डिंग बहुत अच्छी मिलेगी, देखने से ऐसे लगता है कि हम तो जन्नत में आ गए, लेकिन आपने थोड़ा सा टीचिंग फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी आपने थोड़ा सा टीचिंग फैसिलिटी का भी ध्यान रखना है कि पुराने कॉलेज में अच्छी अच्छी मशीनें हैं, लैब वगैरह अच्छे हैं, हॉस्पिटल अच्छे हैं, तो यहाँ सीखने के लिए आपको अच्छा मिलता है। तो ये मैंने जानकारी दे दी आपको कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से कॉलेज टॉप के डिसाइड किए हैं, लेकिन आपने अपने तरफ से ये टॉप कॉलेज फिल करने हैं, आपने अपने हिसाब से इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने कॉलेज फिल करने हैं। तो ये जानकारी थी इसके बारे में। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हो सकता है कोई कोई छोटी सी जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करो, कोई जरूरत नहीं है लाइक करने की, आपको पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक जरूर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन आप सब्सक्राइब चैनल को इसके लिए रखो करके, क्योंकि मैं बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आता रहता हूं, तो कोई ऐसा वीडियो आपसे छूट ना जाए ताकि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।